Hello friends, welcome to my channel Tech Linguist. In this video we will learn and see in how many ways we can run the Python program. Matlab friends, is video mein hum log ye dekhenge ki hum log ke paas kaun kaun se options hain aur ways hain jisse hum log Python ke program ko run aur execute kara sakte hain. Mainly there are three different ways by which we can run the Python program. First way, working in interactive mode. Friends, ab dekhte hain interactive mode hum log kisko bolte hain. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे पाइथन को, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंस्टॉल किया. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग आइडियली या तो डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे, वहाँ से हम लोग ओपन करेंगे पाइथन को. देखिए फ्रेंड्स, ये पाइथन शेल, इस विंडो को हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड. अब इंटरेक्टिव मोड क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है. Because interactive mode means as you type the command, one command at a time, Python will execute it and give you the output. यहाँ क्या होगा friends, interactive mode में जैसे ही हम लोग एक command लिखेंगे और जैसे ही हम लोग enter press करेंगे, Python क्या करेगा, उसको translate करेगा interpreter के through, because Python uses interpreter for processing. तो इंटरप्रेटर के थ्रू वो क्या करेगा और नेक्स्ट लाइन में हम लोग को क्या दे देगा, प्रिंट दे देगा, मींस इंस्टेंटली हम लोग को दे देगा आउटपुट. यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं, प्रिंट. टेक लिंग्विस्ट. देखिए फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा क्या है, कमांड है ये. मींस मैं पाइथन को बोल रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट कीजिए टेक लिंग्विस्ट को. अब फ्रेंड्स, प्रिंट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है और मेथड बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग को एक आर्ग्यूमेंट पास करना रहता है, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ. मींस एक हम लोग देखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ, मैं आपको नेक्स्ट लाइन में दिखा दूंगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ, और बिना इन्वर्टेड कॉमास के साथ भी देख लेते हैं. अगर रन होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि रन नहीं होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये एक छोटा सा कमांड है प्रिंट टेक लिंग्विस्ट, इसको हम लोग एंटर प्रेस करते हैं और देखिए फ्रेंड्स, ये प्रिंट हो गया. मींस ये हम लोग का आउटपुट है. अब देखते हैं फ्रेंड्स, प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एंड वी विल टाइप टेक लिंग्विस्ट. ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, सेम है, बस ये लाइन में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर क्या किया था, डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ यूज़ किया था, यहाँ पर हम लोग ने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के. यहाँ पर भी फ्रेंड्स, हम लोग को सेम आउटपुट देखेंगे टेक लिंग्विस्ट. अब देखते हैं हम लोग प्रिंट विदाउट इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर टी को कैप्स में कर देता हूँ, आप बोलेंगे फिर ऊपर में तो. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, टेक लिंग्विस्ट. अब यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा. क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रिंट के अंदर या तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का. यहाँ पर ये दोनों मैंडेटरी है, या तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना पड़ेगा या तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ. विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमास और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ये प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा, मीन्स ये इसका सिंटेक्स नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स, एंटर करके देखते हैं. देखिए, अगर हम लोग के पास कोई भी एरर आएगा तो ऐसा इस टाइप का एरर आएगा, और यहाँ पर एरर का नेम लिखा रहता है, इज नॉट फाउंड, नेम एरर. ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का हुआ फर्स्ट वे. सेकंड वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड वे क्या है फ्रेंड्स हम लोग का, कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग ओपन करेंगे स्टार्ट में, यहाँ हम लोग टाइप करेंगे cmd. देख सकते हैं जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ एंटर करेंगे, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोग को विजिबल हो प्रॉपरली. अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ हम लोग टाइप करेंगे py और python. ये दोनों में से आप कोई भी एक टाइप कीजिएगा. ठीक है फ्रेंड्स, मैं टाइप करता हूँ py. जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, ये इनडायरेक्टली क्या करेगा फ्रेंड्स, पाइथन शेल को ही कमांड प्रॉम्प्ट में ला के ओपन कर देता है ये. ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है, कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग पूरे के पूरे अपने कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग सेम प्रोग्राम को टाइप करते हैं, प्रिंट
टेक लिंग्विस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये क्या होगा फ्रेंड, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये क्या दे रहा है हम लोग को, आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, एक छोटा सा और देख लेते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स देख लेते हैं, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। यहाँ पर क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर आर ए प्लस बी, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का एडिशन आ गया दो नंबर का। अब एक मेथड ये है एडिशन ऑफ टू नंबर का, एक मेथड डायरेक्टली यू कैन टाइप टू नंबर्स 10 प्लस 20 एंड पाइथन विल गिव यू द आउटपुट 30 प्लस 40 70 334 प्लस 999 ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है और सिंगल लाइन कमांड्स हैं वो आप यहां दे सकते हैं। ये हुआ हम लोग का सेकेंड वे। इस विंडो को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट, सीएमडी, इंटरफेस, ये सारे क्या है सर, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची। देन थर्ड वे इज बाय यूजिंग स्क्रिप्ट मोड। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग स्क्रिप्ट मोड किसको बोलते हैं। इसके लिए हम लोग ओपन करेंगे आइडियली पाइथन, यहाँ पर जाएंगे फाइल में, न्यू फाइल, यहाँ पर ये ब्लैंक एक फाइल ओपन होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना स्क्रिप्ट मींस अपना कोड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, मेनली अगर हम लोग को एक से ज़्यादा लाइन लिखना रहता है और प्रोग्राम्स बनाना रहता है, जैसे कि पूरा का पूरा एक कैलकुलेटर का मेरे को प्रोग्राम बनाना है, मीन्स जिसके अंदर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, मॉड, परसेंटेज सारे कैलकुलेट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊँगा, मीन्स एक स्क्रिप्ट बनाऊँगा और उसको सेव करूँगा फाइल नेम .py से, .py इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। तो यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, सेम वैसे ही तीन नंबर ले लेते हैं, 11, b इक्वल टू 22, c इक्वल टू 33, प्रिंट एडिशन ऑफ थ्री नंबर आर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे ही मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा, मीन्स ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये मेरे जो क्या है, ये लाइन ऑफ कोड जो है वो स्क्रिप्ट है। अब जब तक कि मैं इसको सेव करके रन नहीं कराऊंगा तब तक कि ये रन नहीं होगा, मीन्स एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम लोग को आउटपुट शो नहीं होगा। तो इसको हम लोग सेव कैसे कराते हैं, फाइल में जाएंगे सेव, देन विल चूज अवर लोकेशन, जैसे मेरे को डेस्कटॉप में सेव करना है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, मेरा फाइल नेम है और पाइथन को मैं सेव करते हैं, हम लोग सेव करते हैं डॉट पी वाई से, सेव कर देंगे। अब इसको हम लोग रन कैसे कराएंगे, या तो आप प्रेस कर सकते हैं F5, इट इज़ अ शॉर्टकट की फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, या तो रन में जा सकते हैं, या तो ये मेनू रिबन है, यहाँ रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल, देखिए F5 यहाँ ये शॉर्टकट दिया हुआ है, रन मॉड्यूल, देन वी विल प्रेस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एडिशन ऑफ थ्री नंबर 66, ठीक है फ्रेंड्स, 22, 11, 33, 33 प्लस 33, 66। तो ये हम लोग का थर्ड वे है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं, मीन्स मेनली देर आर थ्री वेज थ्रू विच वी कैन एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम।